राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि राशि हस्तांतरण कार्यक्रम प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित। राजस्थान को अग्रणी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम जो वादा करते हैं उसका पूरा भी करते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान प्रथम बने यही राज्य सरकार का संकल्प। 88 लाख से अधिक पेंशनर्स के बैंक खातों में 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधी हस्तांतरित। मुख्यमंत्री ने किया लाभार्थियों से संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभ्य एवं विकसित समाज सभी वर्गों के विकास के लिए संवेदनशील रहता है। सामाजिक सुरक्षा के रूप में पेंशन जरूरतमंद को आर्थिक संबल देता है, साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़े रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाने के साथ ही पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि वृद्धजन, एकल नारी, दिव्यांगजनों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है तथा इनके सामाजिक सुरक्षा के आवरण को कमजोर नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को झुंझुनू में राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धि की राशि हस्तांतरण के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर प्रदेश के 88 लाख से अधिक पेंशनर्स के बैंक खातों में 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद, मानववाद और अत्योदय की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के जरिए जरूरतमंदों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अजमेर व्रत के लाभार्थियों को मिले 37.25 करोड़। अजमेर जिले का कार्यक्रम जवाहर रंगमंच पर आयोजित हुआ। यहां वीसी के माध्यम से केशव उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के पास झुंझुनू के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को जीवंत देखा गया। अजमेर व्रत के 3,17,905 लाभार्थियों के खाते में 37,25,81,200 रुपए की राशि हस्तांतरित हुई। डीबीटी से पेंशन राशि खाते में आते ही लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। फूला बानो सहित कई लाभार्थियों ने अपने मोबाइल के SMS को सभी को दिखाया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समारोह में लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा DBT के माध्यम से लाभार्थियों की अभिवृद्धित राशि हस्तांतरण की है, इससे समाज के वंचित वर्ग को आर्थिक संबल मिलेगा। वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमांत कृषकों के खातों में पेंशन राशि बढ़ी हुई मिली है। इसी राशि का उपयोग करने के पश्चात इसमें से बचत भी करने की आदत डालनी चाहिए। यह बढ़ी हुई राशि लाभार्थियों में आत्मविश्वास का संचार करेगी, समाज का बड़ा वर्ग आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकेगा। अब 75 वर्ष से अधिक के पेंशनर्स को 1,150 रुपए तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 1,250 रुपए मिलेंगे। इस अवसर पर नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, संभागीय आयुक्त महेशचंद शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्रीमती नित्या के, भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी, युवा नेता अर्जुन नलिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश कुमार गौतम एवं ज्योति ककवानी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक अनिल व्यास सहित अधिकारी व लाभार्थी मौजूद रहे। राजस्थान में सामाजिक अधिकारिता व न्याय विभाग, जिसका काम अपने समाज के वृद्धजन, अपने दिव्यांग या उसके साथ जो अपनी महिलाएं जिनमें परित्यक्ता, विधवा या तलाकशुदा आती हैं और साथ में जो गरीब जन हैं उनके लिए उनको पेंशन की योजना चल रही है, उसके तहत वर्तमान संवेदनशील सरकार ने 150 रुपये वृद्धि करके, जो पहले 1,000 रुपये थी उसमें 150 रुपये बढ़ा करके 1,150 रुपये उसको कर दिया। उसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उनके खातों में पैसे का देने का श्री गणेश कर रहे हैं। उसके तहत राजस्थान के लगभग 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1037 करोड़ रुपए उनके खातों में चले जाएंगे और अपने अजमेर ज़िले में भी लगभग 2,88,000 जो लाभार्थी हैं उनके खातों में भी लगभग 32.5 करोड़ रुपये उनके खातों में चले जाएंगे। इस प्रकार ये जो ऑनलाइन उनके खातों में पेंशन की ट्रांसफ़र की योजना है, यह निश्चित रूप से सही और सुखद है,
जिसके कारण से लाभार्थियों के जनधन के खाते जो पिछले हमारे सरकार ने और वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री ने जो प्रारंभ किए, जिसके कारण से इसमें होने वाली देर, इसमें होने वाली अनियमितता, इसमें होने वाला भ्रष्टाचार सब समाप्त होकर के सीधे एक ही क्लिक से उनके खाते में पैसे हो जाएंगे, जो पैसे उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसके आधार पर उनका जीवन स्तर, उनका जीवन यापन सुखद और सुलभ हो पाएगा। इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, ताकि वे अपने जीवन को आराम से जी सकें, सरकारी योजनाओं का लाभ लें और इस पैसे का सदुपयोग करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। इस तरह की मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इन प्रयासों में अपना योगदान दिया है।